नमस्कार, मैं हूं गरिमा। आज के सिनेमा शो में हम बात करेंगे देव पटेल की मंकी मैन के नए ट्रेलर की। टॉक्सिक में यश के साथ किस एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है ये भी बताएंगे, और शाहरुख खान के साथ जवान 2 को लेकर एटली ने क्या अपडेट दिया वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शो के बाद अब पीकी ब्लाइंडर्स पर फिल्म बनने जा रही है। शो के क्रिएटर स्टीवन नाइट ने खुद ये खबर कंफर्म की है। एक हालिया इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या थॉमस शेल्वी के रोल में किलियन लौटने वाले हैं। इस पर उनका कहना था, वो बेशक लौट रहे हैं, हम लोग सितंबर से फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन के दूसरे सीजन के 2 ट्रेलर लगभग एक साथ लॉन्च कर दिए गए हैं, एक है ब्लैक और दूसरा ग्रीन। हाउस ऑफ द ड्रैगन 2 की हाइप बनाने के लिए ग्रीन वर्सेस ब्लैक का ट्रेंड चलाया जा रहा है। हाउस ऑफ ड्रैगन 2 इसी साल जून में आने वाला। हनुमान की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बाद डायरेक्टर प्रशांत वर्मा जय हनुमान बनाने वाले थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो जय हनुमान से पहले अनुपमा परमेश्वरन के साथ अपने दूसरे प्रोजेक्ट ऑक्टोपस पर काम करना चाहते हैं। ऑक्टोपस का काम लगभग 60% पूरा हो चुका है, उसे पूरा करने के बाद ही वो जय हनुमान पर काम करेंगे। कियारा आडवाणी को यश के ऑपोजिट टॉक्सिक में कास्ट कर लिया गया है। ई टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि एनिमल की भयंकर कामयाबी के बाद यश की टॉक्सिक के मेकर्स तृप्ति डिमरी को लीड रोल में लेना चाहते थे, लेकिन तृप्ति ने मना कर दिया। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए मैदान के डायरेक्टर अमित शर्मा ने बताया कि इस फिल्म पर जितने लोगों ने काम किया है वो अपने आप में अविश्वसनीय है। कुछ दिन पहले मैं अपनी टीम से पूछ रहा था कि एंड क्रेडिट्स में इतना टाइम क्यों लग रहा है। टीम के सदस्य ने कहा, टाइम तो लगेगा, इतने सारे नाम जो हैं। मैंने पूछा कितने नाम हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 3,500 लोगों ने काम किया है। इटली बीते फरवरी में एबीपी के एक इवेंट में शरीक हुए थे, वहां से एक वीडियो रिलीज किया गया। इटली से पूछा गया कि जवान की सीक्वल का क्या सीन है, क्या वो फिल्म बन रही है। इस पर उनका कहना था, अभी उसे लेकर कुछ तय नहीं है, मैं कुछ लिखूंगा, आप सभी को हैरान करूंगा। इस फिल्म के सीक्वल बनने का चांस होता है, लेकिन मैं अभी ऑडियंस को अलग कंटेंट से सरप्राइज करता हूं, मैं इस पर कुछ करने की कोशिश करूंगा, बाकी देखते हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पठान और फाइटर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद 2001 में आई नायक का सीक्वल बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने कहा कि सिद्धार्थ नायक 2 नहीं बना सकते क्योंकि फिल्म के राइट्स उनके पास हैं। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ और मेरे बीच नायक 2 को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। 22 मार्च यानी आज से 30 मार्च तक सिनेपोलिस में रेट्रो फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। इस दौरान शाहरुख खान और अक्षय कुमार की 90s की कुछ फिल्में बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। ये फिल्में हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ी और बाजीगर। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा आजकल कई सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हैं और फिल्म मेकर्स से मिल रही हैं। उन्होंने एक एक्शन फिल्म के सिलसिले में संजय लीला भंसाली से भी मुलाकात की, उन्हें वो प्रोजेक्ट पसंद आया है और अब दोनों के बीच टाइमलाइन, शेड्यूल और कॉस्ट्यूम्स को लेकर डिस्कशन चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक AR रहमान और प्रभुदेवा 25 साल बाद एक बार फिर साथ में काम करने वाले हैं। ये उनका साथ में 6th प्रोजेक्ट होगा, अभी इसे ARRPD 6 बुलाया जा रहा है। फिल्म में योगी बाबू, अजू वर्गीस और अर्जुन अशोकन जैसे कलाकार भी होंगे। देव पटेल की फिल्म मंकी मैन का नया ट्रेलर आ गया है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को देव पटेल ने डायरेक्ट किया है। देव पटेल के अलावा फिल्म में मकरंद देशपांडे, शोभिता धुलीपाला और सिकंदर खेर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म 5 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रवि किशन की भोजपुरी फिल्म महादेव का गोरखपुर का ट्रेलर आ गया है। ये एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे भोजपुरी के अलावा हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म को राजेश मोहनन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब आ रही आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। ये एक एनिमेशन फिल्म है, प्यारी सी फिल्म। कहानी एक बच्ची की है जो समुद्र की तरफ बहुत आकर्षित होती है। प्रकृति को लेकर उसके मन में क्या सवाल आते हैं, उसे बचाने के लिए वो क्या कोशिशें करती हैं, उसी की कहानी है ये एनिमेशन फिल्म मोआना। आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। आज के सिनेमा शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।